हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम कपकेक की रेसिपी शेयर करने वाले हैं आपसे, ये देखिए एकदम मॉइस्ट वाला कपकेक। तो इसमें ना तो हम दूध का यूज़ करेंगे, ना ही दूध पाउडर, ना ही दही, ना ही सिट्रिक एसिड, नींबू या फिर विनेगर। तो ये सिर्फ गर्म पानी से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 3/4 कप लेंगे मैदा, और मैदे को हम छान लेंगे। उसके बाद हम लेंगे 3/4 कप ही चीनी का पाउडर भी, जितना हमने माप कर मैदा लिया था उसी कप में उतना ही चीनी का पाउडर भी लिया है, चीनी नहीं, चीनी का पाउडर। और अब इसमें हम एक छोटा चम्मच डाल देंगे बेकिंग पाउडर, और साथ ही एक चुटकी भर नमक, इसको भी हम छान लेंगे। उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें गर्म पानी, तो आधा कप गर्म पानी डाल देंगे। और इसके बाद इसमें हम जो भी फ्लेवर का बनाना हो उसका एसेंस, तो मैंने वनीला फ्लेवर का एसेंस डाला है, और आप चाहे तो इलायची भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। और यहाँ पे सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल है विदाउट फ्लेवर वाला। और अब इसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे बस, अब और कुछ भी नहीं चाहिए। और मिक्स करने के बाद जो है इसको हम अब मफिन्स मोल्ड में इसको हम डालेंगे। तो इस तरह के मफिन मोल्ड्स में डालने से क्या होता है ना कि इसका शेप जो है ना वो गोल गोल ही रहता है, और अच्छे हमारे जो है कपकेक्स रेडी होते हैं। तो सारे मफिन्स मोल्ड में हमने पेपर कप लगा दिए हैं, और सब में पूरा पूरा नहीं भरेंगे, एक चौथाई भाग जो है वो खाली रखेंगे, 3 पार्टी भरेंगे कप का। तो इस तरह से, क्योंकि फूलने के बाद जो है वो पूरा हो जाता है। तो अभी भी जो है वो बैटर हमारा बचा हुआ है, तो उसको हम दूसरे बर्तन में बेक करने वाले हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये 6 बेक हो चुके हैं अभी। तो कितना मॉइस्ट और फ्लफी कपकेक या मफिन्स रेडी हुआ है, और वो भी सिर्फ गर्म पानी से, बिना दूध, बिना दही। 180 डिग्री के प्रीहीटेड ओवन है, 16 मिनट बेक किया और रेडी है कप।